जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवनी नारायण में एक स्कूल का लोकार्पण करने पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने स्वर्गीय चंद्र किरण शर्मा स्मृति शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय भवन का किया लोकार्पण, जिसके बाद कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण पहुँचे छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने शिवरी नारायण के स्वर्गीय श्रीमती चंद्र किरण शर्मा स्मृति शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय भवन का किया लोकार्पण। डॉक्टर टेकाम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत अरपा पैरी के धार से हुई। स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत के साथ नृत्य की प्रस्तुति दी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्थानीय लोगों की मांग पर स्कूल परिसर के समतलीकरण एवं पानी निकासी व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। स्कूल के कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने आगे कहा कि श्रीमती चंद्र किरण शर्मा का जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित रहा। उनका स्मृति में स्कूल का नामकरण किया गया है ताकि आने वाले पीढ़ी उनकी जीवन से प्रेरणा ले सके। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत राम सुंदर दास महाराज ने बताया कि श्री योगेश शर्मा की दान राशि से निर्मित स्कूल भवन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। समाज के प्रति सेवा और समर्पण से सम्मान मिलता है। नगर पंचायत शिवरी नारायण की अध्यक्ष श्रीमती अंजनी तिवारी ने शिवरी नारायण नगर के विकास राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय श्रीमती चंद्र किरण शर्मा के पति योगेश शर्मा और उनके भाई भागवत प्रसाद तिवारी ने नव निर्मित भवन की चाबी स्कूल शिक्षा मंत्री को सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। योगेश शर्मा ने 25 लाख रुपए के सहयोग से स्कूल परिसर में 4 कमरों का भवन निर्माण किया है, जिसके लिए डॉक्टर टेकाम ने राज्य सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने योगेश शर्मा के शिक्षा के प्रति समर्पण को प्रेरक कार्य बताते हुए प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय श्रीमती चंद्र किरण शर्मा लंबी अवधि तक इस विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ रहकर अपनी सेवाएं दी और सेवा के दौरान ही उनका स्वर्गवास हो गया। चंद किरण जी शर्मा जो यहाँ शिक्षक थी, उनके पतिदेव ने जो उनके जो पैसे जो मिला होगा उनको, उसे एक अच्छा काम किया कि उनके नाम पे स्कूल भवन यहाँ बनवाया और उसका उद्घाटन के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया। ऐसे बहुत लोग अपने परिजनों के नाम पे कुछ बनाते हैं, लेकिन स्कूल हम पहली बार देख रहे हैं कि स्कूल यहाँ पे बना और उसका शासन ने विधिवत उसकी अनुमति दी और उसके अनुसार से आज जो उनके नाम आज अमर होगा, इस जब तक स्कूल रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। तो ऐसे समाज के और भी बहुत से लोग हैं, उनको इस बात को प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरी पत्नी चंद्र किरण शर्मा इस विद्यालय में शिक्षिका थी और असमय उसका निधन हो गया। 17 अक्टूबर 2017 को उसका निधन हो गया। जब कुछ उसका पैसा इत्यादि मिला, राशि मिली, मैंने सोचा उसका नाम से कुछ कर दिया जाए। और चूंकि बीओ साहब श्री विजय कुमार जी लहरे, तत्कालीन डीओ श्री तोमर जी, शिक्षा सचिव श्री आलोक शुक्ला जी, शिक्षा मंत्री जी श्री टेकाम जी और आदरणीय महंत जी ने इस काम में मेरा काफ़ी सहयोग किया। मेरी इच्छा थी कि जिस विद्यालय में वह अध्ययन कराया करती थी वह विद्यालय उसके नाम से हो जाए, उसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ और सबके सहयोग से शासन की अनुमति के पश्चात शासन के निर्देशानुसार भवन निर्माण करा करके नामकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अंत में मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी अपनी स्वीकृति दी और शिक्षा मंत्री जी
के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ और आज इस भवन का लोकार्पण हुआ है। इस भवन में एक प्रधान पाठक का कक्ष और 3 कक्षाएं, कक्षा जो कमरे हैं उसका साइज 8x4 मीटर का है, जबकि ऑफिस का जो कक्ष है, प्रधान पाठक के कार्यालय का जो कक्ष है वह 6x4 फीट का है, 4 मीटर का है और उसके सामने बरामदा बना हुआ है। यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं थी इसलिए एक बोर भी लगवाया गया है, गेट को भी बनवाया गया है। इस तरह से लगभग 25 लाख रुपए का लागत हुआ है, इसमें खर्च हुआ है और आज आप सबके सहयोग से श्रीमती चंद्रकिरण शर्मा के बड़े भाई श्री भगवान प्रसाद जी तिवारी, शिव कुमार जी तिवारी और शुभम तिवारी, ये उनके परिवार के सारे लोग आज उपस्थित हैं और यह विद्यालय भवन आज शासन को हस्तगत किया है। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिवरी नारायण के में संपन्न हुआ, उसका आकाजन ये था कि श्रीमती स्वर्गीय चंद्रकिरण शर्मा जो कन्या माध्यमिक शाला शिवरी नारायण में शिक्षिका थी, उच्च श्रेणी शिक्षिका, जिनका 2017 में देहावसान हो गया था, उनकी स्मृति में उनके पति श्री योगेश शर्मा जी के द्वारा हमारे शिक्षा विभाग को और उस स्कूल को जहाँ मैडम कार्यरत थी उस स्कूल को अपने व्यय से संपूर्ण भवन माध्यमिक शाला का बनाकर आज उन्होंने विभाग को सौंपा है। इसमें एक प्रधान पाठक कक्ष है और 3 बड़े बड़े कमरे हैं और संपूर्ण सुविधा युक्त ये कमरा जो है माध्यमिक शाला का भवन शिक्षा विभाग को सौंपा है। इस अवसर पर आज हमारे बीच हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री टेकाम साहब उपस्थित हुए थे और उनकी अध्यक्ष मुख्य आतिथ्य में ये समारोह संपन्न हुआ। इस बीच श्री योगेश शर्मा जी के द्वारा उस शाला भवन, नए शाला भवन की चाबी विभाग को माननीय मंत्री जी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया और सबसे खुशी की बात यह है कि अब वो जो भवन है, वो जो स्कूल है जिसका नाम शासकीय कन्या माध्यमिक शाला भोगापारा शिवरी नारायण था, वो अब स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकिरण शर्मा शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक हो गया, ये खुशी की बात है। और इस मौके पर मैं विभाग की ओर से श्री योगेश शर्मा जी को, स्वर्गीय श्रीमती शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक लंबी राशि व्यय करके हमारे बच्चों को सुविधा के लिए स्कूल भवन प्रदान किया है और आज के अवसर पर ऐसे भामाशाह योगेश शर्मा जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ मैं आपके के माध्यम से कि उन्होंने साहसपूर्वक और उदारतापूर्वक ये अच्छा काम किया है। विभाग के माध्यम से भी उनके नाम पर स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है, तो विभाग की ओर से और शासन की ओर से भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।